क्या माहीन खुश है इस रिश्ते से? मामू की खुशी में खुश है वो। खबरदार जो मुझे चीटर बोला। मैं नहीं हूँ चीटर। सौ दफा बोलूँगी। किंजा। हसन। क्या हुआ? क्या कहा जब्बार भाई ने? कुछ नहीं कहा, जूता मार दिया मेरे मुंह पे इनकार का। तुम्हारी बेटी के करतूत किसी आमाल नामी की तरह खुल गए उन पर, तो कैसे आके उसकी जिंदगी को जन्नत बनाते हो? हाँ, इनकार कर दिया और बना दी हमारी जिंदगी जहन्नम। तुम्हारी बेटी के करतूत और उसकी बदनामी सारी जिंदगी हमें कहीं चैन लेने नहीं देंगे। मुंह पे कालक मलते रहेंगे हर वक्त। मैं कुछ भी कर लूं, इस बदनामी की पोटली से जान नहीं छुड़ा सकता। ये मर भी गई ना तो हमारी जिंदगी को जहन्नम बनाए रखेगी। इसे तो अपने हाथों से मैं मार दूंगा। रुक जा रही से मत। मेरी बेटी जिंदा थी का? जीते जी एक जिंदा लाश बना दिया था आपके तानों और आपकी नफरत ने से। बहुत सहलिए आपके लफ्जों के तीर मेरी बेटी ने और मैंने। बाप अपने बच्चों के लिए एक सायादार दरख्त की माने धोता है, लेकिन आपका साया सारी जिंदगी मेरे बच्चों को झुलसाता रहा। वो एक बेल बनकर आपसे लिपटे रहे और मुरझा गए। ये क्या ऑल फॉल बकरी है नसरीन? दिमाग ठीक है तेरा? शोहर है ये। आप चुप करें, ये मेरा और मेरे घर का मामला है। नसरीन। राइस अहमद। मैं आज तक अपनी जबान पर ताला सिर्फ इसलिए डाले रही ताकि इस घर का सुकून ना बर्बाद हो, लेकिन आज आपने अपनी अना, अपनी नफरत और अपनी हाकमियत की जरबों तले इस घर के सुकून को तोड़ डाला है, बर्बाद कर दिया है। मैं मानती हूं कि माहीन से गलती हुई, वो इस घर से भाग गई, लेकिन उससे भी बड़ी गलती तो आपसे हुई है रईस अहमद, तो उसकी शादी बिलाल जैसे नफ्सियाती से करवा दी। मेरी बेटी उस घर में न जाने क्या क्या बर्दाश्त करती रही, और समरीन उसे किस बात की सजा दी आपने? एक ऐसे आदमी के पल्ले बांध दिया जिसकी मोहब्बत बटी हुई थी, जिसको देने के लिए उसके पास दो झूठे लफ्ज भी नहीं थे प्यार के। और मेरा बेटा हसन, इसका क्या कसूर था? इसको भी आपने अपने गुस्से की भेंट चढ़ाकर इस घर से निकाल दिया। तुम चुप कर जाओ, इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं। क्या करेंगे आप? तलाक देंगे मुझे? तो दीजिए तलाक। एक तलाक तो पहले दे ही चुके, दो और दीजिए और आजाद कीजिए मेरी भी जिंदगी को। पीछे हटो तुम। आज इस बात का फैसला होकर ही रह रही सहमत। मैं आज तक खामोश सिर्फ इसलिए रही हूँ कि कहीं आप दो बोल बोल कर मुझे रुसवा ना कर दे, लेकिन मेरे नसीब में अगर रुसवाई लिखी है तो यही सही। करें मेरा फैसला। रही सहमत, आप सिर्फ इस घर के वाली वारिस हैं, लेकिन नाउजुबिल्ला खुद को खुदा समझ बैठे, जैसे सबको सजा देने का हक सिर्फ आपको हो। लेकिन नहीं, मैं आज अपनी जिंदगी का हर फैसला अपने रब के हवाले कर चुकी हूँ, क्योंकि सजा और जजा देने का हक सिर्फ मेरे अल्लाह को है। आपसे ना पहले मुझे कोई उम्मीद थी, ना आज कोई आस है। चलो अंदर चलो। रईस भाई, देख रहे हैं आप? अरे किस तरह क्या क्या बोल के गई है ये। बच्चों के सामने इज्जत का जनाजा निकाल दिया कमबख्त ने आपकी, और तो और मुझे और मेरे बेटे को भी साथ ही रगड़ दिया।
मैं तो कहती हूँ तलाक दो, बच्चे भी तो उसी के साथ चिपके खड़े थे ना, अभी के अभी तलाक देके घर से बाहर निकालो। शाहजेब, ती माँ को लेके जाओ यहाँ से। रईस भाई जाओ। दूसरों की बेटी को ना खुश रखेंगे तो अपनी बेटी भला कैसे सुकून से रह सकती है उनकी। क्या देख रहे हैं आप लोग इस तरह मुझे? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मेरा रब बड़ा इंसाफ करने वाला है, इसी दुनिया में दिखा देता है सब। डरो उस वक्त से बतूल जब वो इंसाफ पर आ जाए, उसे पता नहीं कब किस वक्त क्या गलती हो जाए, इसलिए उससे इंसाफ की नहीं रहम की दुआ करनी चाहिए। उसकी जात जो है वो बहुत इंसाफ करने वाली है, और वो हमारी तरह नहीं कि सिर्फ दूसरों के ऐब पर नजर रखे। और अगर उसने इंसाफ कर दिया और उसका फैसला तुम्हारे हक में ना हुआ ना, सर पकड़ के रोओगी तुम। अल्लाह ना करे सिद्दीक साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहुत खूब, अपने पर बात आई तो बर्दाश्त नहीं हुई तुमसे, और वहां मेरी बहन जो इतने अरसे से सजा सह रही है उसका तुम्हें जरा भर भी एहसास नहीं? तुम्हारे सीने में दिल है कि नहीं? मां बनकर सोचा होता तो तुम्हें भी उसके दुख और दर्द का एहसास होता। तुम तो एक बेटी के नसीब को रो रही, वो तो अपनी पूरी औलाद की किस्मत को बैठी रो रही। अपना बीपी हाई कर लेंगे। तुम्हारी माँ की बातों को सुनकर किसका बीपी हाई नहीं होगा? बस कर दें आप सदीक साहब, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया। देखा, इसको तक अपनी बातों की सख्ती का जरा भर भी एहसास नहीं है। ऐसी बातों के बाद बीपी किसका नॉर्मल रह सकता? आप तो मुझ पे ऐसे गुस्सा हो रहे हैं जैसे वहां जो कुछ भी हुआ उस सब की जिम्मेदार मैं हूं। प्लीज कर दें, क्या हो गया आपको? मैंने कुछ गलत नहीं कहा किंजा, बिल्कुल सही कहा है मैंने। जी बहन, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकूं? बस भाई साहब, क्या कहूं, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि आपके बेटे के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, और उससे भी ज्यादा ज्यादती होगी आपके पोतों के साथ अगर आप माहीन के साथ शादी कर देंगे अपने बेटे की तो। क्या कह रही हैं आप? आपकी होने वाली बहू जितनी मासूम नजर आती है ना, उतनी है नहीं। ये बैठा है उसका शौहर बिलाल, इससे पूछ ले सारी असलियत। लेकिन रईस अहमद ने तो बताया था कि माहीन का शौहर तो बहुत सालिम है, उसको मारता पीटता है। सब कहानी है जब्बार साहब, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता, तो वो बेचारा भी बाप है, क्या करेगा।
अपनी बेटी की करतूतों पे पर्दा ही डालेगा, वही कर रहा है। उस चक्कर में सारा मलबा मुझ पे गिरा दिया और अपनी बेटी को बचा लिया। ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब्बार साहब, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरी बीवी बहुत बदकिरदार औरत है। मोहल्ले के हर शख्स के साथ उसका चक्कर था। मैं उससे मोहब्बत करता था इसलिए ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर जब बात मेरी बहनोई पर आ गई तो मुझसे देखा नहीं गया। मेरी बहन का घर तबाह करने पर तो बीवी की औरत, आप खुद ही बताएं, भाई होने के नाते में ये कैसे बर्दाश्त करते हैं? देखिए जब्बार भाई, इसके साथ मैं इसलिए आई हूँ कि इन सब बातों की गवाह हूँ मैं। अरे मेरी गली में ही तो घर है इन लोगों का। भाई बड़े कहते हैं कि माँ की तरबियत ही सब कुछ होता है, तो आप खुद सोच लें, जब ऐसी लड़की ब्याह के लाएंगे आप अपने पोतों के सर पे, तो वो क्या तरबियत करेगी बच्चों की? गुल बानो नाम है मेरा, मैं अगर एक बार किसी के पीछे पड़ जाऊं ना तो उसे चैन से सांस भी नहीं लेने देती। बड़ी आई माहीन, बड़ी अय्याशी की जिंदगी गुजारने का ख्वाब देख रही थी। मैं बड़ी सड़ती रहेगी कम वक्त। मानती हूँ कि माहीन से गलती हुई, वो इस घर से भाग गई, लेकिन उससे भी बड़ी गलती तो आपसे हुई है रईस अहमद, तो उसकी शादी बिलाल जैसे नफ्सियाती से करवा दी। मेरी बेटी उस घर में न जाने क्या क्या बर्दाश्त करती रही। जा। और समरीन, उसे किस बात की सजा दी आपने? एक ऐसे आदमी के पल्ले बांध दिया जिसकी मोहब्बत बटी हुई थी, जिसको देने के लिए उसके पास दो झूठे लफ्ज भी नहीं थे प्यार के। उसने शादी से इनकार कर दिया, शाजिद किसी और लड़की को पसंद करता है। उसके इनकार करने से क्या होता है? रईस अहमद का लिखा पत्थर पे लकीर है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। शाजिब और समरीन की शादी होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। शाजिब इन आपको घर ले आया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा शौहर तुम्हारी नजरों के सामने रहेगा। मेरा बेटा हसन, इसका क्या कसूर था? इसको भी आपने अपने गुस्से की भेंट चढ़ाकर इस घर से निकाल दिया। ये मेरा घर है, आइंदा मेरे और मेरे घर के मामलात में बोलना नहीं, समझ गया? चल निकल यहाँ से, चल निकल, निकल यहाँ से, निकल बाहर, नजर नहीं आ रहा दोबारा मुझे, चल। होगा अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, कहाँ जाएगा, यही फिर रहा होगा कहीं मार्केट में। बस ऐसे ही है, पारे है सर। बाप तो नमाजी परहेजगार है और बेटी अल्लाह माफी। हाँ भाई, आराम खिलाया होगा ना तभी तो खून पे। क्या कह रहा है मुंह पे? क्या मैं रईस अहमद, हराम का खिलाया कहाँ चुकता है? बकवास बंद कर दे अपनी।
अबे किस किस की जबान बंद कराएगा रईस अहमद है? अबे तेरी बेटी की कहानी रातों रात पूरी मार्केट में फैल गई है। तेरी बेटी की बारात क्या लौटी, समझ तेरी इज्जत लुट गई। बकवास बंद करेगा या नहीं करेगा अपनी? अबे अभी तो खाता खुला है बेइज्जती का, समेटे जा रईस अहमद। तूने मेरी इज्जत उछाली है ना, देख लूंगा मैं तुझे। हाँ देख लियो, ये रही मेरी दुकान, आ जाइयो जिस टाइम पे भी। बड़ा आया शरीफ बन के। छोड़े छोड़े बहुत, ऐसा ही है बस। जा अपना काम कर जा। अबे जा यार। अबे किस किस की जबान बंद कराएगा रईस अहमद है? अबे तेरी बेटी की कहानी रातों रात पूरी मार्केट में फैल गई है। जी अरे भाई, वो माल तैयार है सारा, उठवा ले। मुझे अब आपके माल की जरूरत नहीं है और मुझे आपके किसी किस्म से कोई रिलेशन नहीं रखना आपसे। अरे भाई ऐसे, हेलो हेलो, चाचा नहीं चाचा क्या हो गया आपको? मैं किसी को बुला कर ले आता हूँ। सेट सेट जल्दी चले मेरे साथ। अबे क्या हो गया तेरे चेहरे पे, हवाइयां की उड़ी भी है? वो रही सजन पता नहीं क्या हो गया, वो गिर गए हैं। क्या हो गया, चला जा। अबे क्या हो गया, अबे रही सहमत, वो रही सहमत। अबे जा जा, बिलाल को बुला के ला और बाकी लोगों को ला। अबे रही सहमत, रही सहमत, अबे आ जाओ। अबे क्या हो गया भाई, रही सहमत क्या हुआ? चको क्या, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। अबे छोड़ एम्बुलेंस को, उठा इसे मेरी गाड़ी में डाल। एक मिनट आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, अस्पताल लेकर चल। चल भाई आगे, आ गया। अब्बू ने तो तुम्हें रोकना ही था ना हसन, क्योंकि यानी जितने भी इश्यूज थे वो किंजा से थे, और अब जब किंजा तुम्हारे साथ नहीं है तो उनके सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए। अम्मी आप इस बारे में क्यों नहीं कुछ कह रही? हसन ने देखो, उन्होंने उस वक्त से कुछ खाया नहीं है। अम्मी कुछ तो बोलें, आपकी ये खामोशी हमें मज़ीद परेशान कर रही है। वो रईस अहमद के घर पे तो खबर कर दे, इसके बेटे का नंबर है तेरे पास? हाँ मेरे पास है। हाँ हाँ बात कर उससे, बता तेरे अब्बा की तबीयत खराब हो गई। कौन है? पता नहीं, अननोन नंबर है कोई। हेलो मैं बिलाल बात कर रहा हूँ। तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? अरे भाई पहले बात सुन ले, गुस्सा क्यों कर रहा है? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझसे बात करने का। हमारे वालिद की तबीयत खराब हो गई है, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं अभी। क्या, कौन सा हॉस्पिटल लेके जा रहे हो? अभी पता नहीं है कौन सा हॉस्पिटल, मैं व्हाट्सएप करता हूँ तुम्हें। जल्दी से पहुंचो। अबे जाओ भाई जाओ, काम करो अपना। मैं काय को रश लगाया हुआ, चलो काम देखो अपना अपना। ला बजे के खड़े हो गए यहाँ पे। क्या हुआ है? अब्बू की अचानक तबीयत खराब हो गई शोरूम में, और बेहोश होके गिर गए वो। क्या क्या हुआ तुम्हारे अब्बू को? पता नहीं, हॉस्पिटल चलते हैं। आए चलो। लेकिन डॉक्टर साहब वो चल तो सकेंगे? जी क्यों नहीं, लेकिन फिजियोथेरेपी की जाए तो ज़रूर चल सकेंगे, ठीक है? मगर होश में आएंगे तो थोड़ा सा शॉक लगेगा आपको, आप लोगों को ख्याल करने की ज़रूरत है।